दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल निनाद पर। दोस्तों, काशी भगवान शिव की नगरी है जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। यहाँ के कण कण में शिव विराजमान हैं और अपने भक्तों पर दया दृष्टि बनाए रखने के लिए, उनका हर प्रकार से उनको सुखी करने के लिए, कहीं बाबा विश्वनाथ के रूप में तो कहीं काशी के कोतवाल बनकर काल भैरव के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आज हम आपको बाबा के एक ऐसे ही स्वरूप का दर्शन कराएंगे जिनका नाम है संतानेश्वर महादेव और ये मंदिर स्थित है काल भैरव मंदिर के पीछे। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि ऐसे दंपति जो शादी के बाद लंबे समय तक प्रयास के बाद भी जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती, वो यदि यहाँ आएं, अभिषेक कराएं, संतान गोपाल स्त्रोत का पाठ कराएं, तो उन्हें अवश्य ही अभिष्ट की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस स्वयंभू शिवलिंग की एक खास विशेषता ये है कि इस पर संतान की प्रतिकृति बनी हुई है जो कि अपने आप में अत्यंत दुर्लभ है। तो आइए चलते हैं, आपको ऐसे ही एक दुर्लभ शिवालय के दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, विश्वेश्वरगंज चौराहे से दक्षिण दिशा में जाने वाले मार्ग पर यह है काल भैरव मंदिर का गेट। यहां से अंदर काल भैरव मंदिर से आगे बढ़ने पर काठ वाली हवेली के बगल में स्थित है संतानेश्वर महादेव मंदिर। आइए चलते हैं मंदिर की ओर। और अब हम हैं संतानेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में। दर्शकों, इनका दर्शन आप कर रहे हैं हमारे चैनल निनाद पर। आइए आपको मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। आज हम हैं काशी के कृष्ण यजुर्वेद के प्रकांड विद्वान श्री गणेश नारायण पालंदी जी के साथ। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुजी आज हमारे निनाद चैनल के साथ हैं। सबसे पहले गुरुजी, आपको हमारा बहुत बहुत प्रणाम। हम आपको इनके बारे में बता दें कि ये भारत के प्रख्यात कर्मकांडी भी हैं। गुरुजी, आज हम आपसे संतानेश्वर मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे, कृपया इसके बारे में हमें बताने की कृपा करें। श्री गणेशाय नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काशी में काशी खंडोक्त अनेक विद्वान हैं, अनेक जानने वाले अनेक विद्वान हैं। वो काशी खंड के अनेक देवता हैं। काशी खंड में जितने भी देवताओं का वर्णन आया है वे सब स्वयंभू स्थान हैं, इसलिए उनका नाम काशी खंड में और लिया गया है। काशी खंड में आने वाले जितने भी देवता हैं सब काशी में विद्यमान हैं। 33 कोटि देवताओं का यहाँ पर वास है और ये संपूर्ण राजा देवोदास के प्रताप से काशी में संपूर्ण देवताओं का वास आज हम लोग को प्राप्त हो रहा है। परंतु आपने जो प्रश्न किया है कि उसमें संतानेश्वर महादेव जी के विषय में कुछ बतलाइए, तो काशी में संतानेश्वर नाम के जो महादेव हैं, जो संपूर्ण और सब प्रकार से मनुष्यों को संतति देने वाले हैं, इनका स्थान काशी के काल भैरव मंदिर के पास में काठ हवेली के बगल में संतानेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां पर संतान की कामना से जो भी व्यक्ति अभिषेक करते हैं, संतान गोपाल का पाठ करते हैं, संतानेश्वर गोपाल का जप करते हैं अथवा हरिवंश का पारायण करते हैं, उनकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो करके और उनको उनके घर में वंश की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है। संतानेश्वर भी स्वयंभू स्थान है, इसका निरंतर और दर्शन करने से भी, सोमवार सोमवार को अभिषेक करने से भी मनुष्य की मानसिक आर्थिक और शारीरिक स्थिति भी मजबूत होते हुए और संतान की प्राप्ति अवश्य होकर के वंश की वृद्धि होती है, इसलिए इनको संतानेश्वर ऐसा कहा जाता है। इनका पूजन अर्चन और नित्य स्मरण करने से भी मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। गुरुजी, संतानेश्वर मंदिर पर इतने विस्तृत जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शिवलिंग के ऊपर
संतान की प्रतिकृति साफ झलक रही है, जो अपने आप में अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ है। दोस्तों, काशी खंडोक्त इस मंदिर में अमृतेश्वर महादेव का विग्रह है, जो आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल निनाद के माध्यम से। और ये हैं श्री नारायण भगवान। दाहिनी ओर अब आप देखेंगे, ये हैं अमृत सिद्धि विनायक, ये हैं अमृत सिद्धि विनायक। दोस्तों, आज का सफर बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस श्रृंखला के अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द किसी और बहुत महत्वपूर्ण शिवालय की यात्रा के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।